भी पड़ा हुआ है और ये पकौड़े भी तैयार हैं, चाट मसाला, चटनी, झूले वगैरह लगे हुए हैं। इस स्कूल में पढ़ने का वैसे अलग ही मजा होगा यार, कितना खूबसूरत स्कूल है। करें वीडियो को लाइक करें, आप लोग आते हैं वीडियो देखते हैं गायब हो जाते हैं, ये बात यार बहुत गलत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का सीन कुछ ऐसा है कि रात को मैंने आपको बताया था कि या हम अली शाह भाई की बर्थडे है तो उनके घर होंगे, कोई बर्थडे का सीन होगा, या फिर मुदसर भाई के गांव जाएंगे, या कहीं इस्लामाबाद वाली साइड पे जाएंगे। मतलब कशमकश में थे कि किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे। तो सीन कुछ ऐसा बना है कि अभी हम जा रहे हैं मुनाल, मैं अहमद की तरफ आ रहा हूँ, अहमद में जो उतारेगा सदर, सदर से मैं अली भाई पिक करेंगे और वहाँ से हम सीधे इस्लामाबाद मुनाल में जाएंगे। तो यार चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के मज़ेदार व्लॉग्स आते रहेंगे। और नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए आपने लाजमी बताना है। टमाटर ले आओ, मजा आया। अली भाई के घर खैर खैरियत से पहुंच गए हैं, 2, 4, 5 और 6वां बंदा। चले जी मुनाल जाएंगे, मैं और हमजा हैं, हम एक बाइक पे हैं, अली भाई और उनके कज़न एक बाइक पे हैं, 125 है, 3 बाइक जा रहे हैं। और मुनाल रेस्टोरेंट हमारे से 9 किलोमीटर दूर रह गए। हमजा ये मेरे साथ है, सुनाओ हमजा क्या हाल है। और ये हमारे पास एक बाइक है, हमजा बेसिकली बाइक लवर है तो इसने बाइक अपनी 70 तैयार करी हुई है, थोड़ी सी मॉडिफाई की हुई है। ठंडी ठंडी हवाएं स्टार्ट हो गई हैं। एक शॉर्ट रिकॉर्ड करने के लिए मैं बाइक से उतरा हूं, चक्कर आ रहे हैं पहाड़ों के, गोल चक्कर लगा लगा लगा। बेटे कौन है तू? चेक करें माशाल्लाह, और पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इतना खूबसूरत नज़ारा, वाह। अगर नहीं आए हुए ना तो एक बार लाजमी आपने विजिट कर दें। बाकी हम तो फुल एंजॉय कर रहे हैं, आप पता नहीं देख के एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम तो इधर एंजॉय कर रहे हैं, साथ ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे हैं और साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं। फाइनली हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच गए जहाँ पर एक खूबसूरत व्यू भी है लेकिन थोड़ा सा ख़तरनाक भी है। अगर यहाँ से हम नीचे गए ना तो बस कोई कुत्ते बिल्ले हमें खाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इधर कुत्ते बिल्ले भी नहीं, इधर शेर चीते ही हैं, और इधर हमजा लोग स्लोमो बना रहे हैं। हम सब और हमारे बाइक खैर खरिये से पहुंच, फुल सुनसान रोड और ठंडे ठंडे रोड, ठंडी ठंडी हवाएं, कितना सुकून मिलता है। इस साइड पे मैंने कोई देखा था, पानी भी है, अल्लाह करे वो पानी में मिल जाए ना, बहुत बेहतरीन सीन हो जाएगा। बाकी तो आप शॉप्स वगैरह देखते रहते होंगे लेकिन ये शॉप चेक करें, माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत और प्यारी। ठंडा है पानी, अरे पानी ठंडा है, अच्छा बर्फ डाली हुई है, कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई है, टक शॉप और लेस वगैरह है, स्पारी, तुलसी, सिगरेट, मिट्टी की कटवी लेके आते हो, कढ़ाई वगैरह बनाते हैं। लेकिन इस दफा नहीं, इंशाल्लाह अगली दफा। और मुदस्सर भाई का गांव इसके बैक साइड पे, तो कल मुदस्सर भाई के गांव जाना है। यहाँ पर चेक करें पकोड़े तैयार हो रहे हैं। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, यही ठीक है चला रहे हैं जी, जी, जी। और यहीं की रिहायशी है, दूध भी पड़ा हुआ है और ये पकौड़े भी तैयार है, चाट मसाला, चटनी, क्या चीज, ग्रीन टी भी है। अच्छा ग्रीन टी भी है, वाह जी वाह, ये तो पूरे शहर ही है। ये चाय का निजाम है, साफ सुथरे बर्तन। हमजा ये क्या किया, 40 रुपये किसी चीज़ दिए, 10 रुपये की एक बबर मिली है। और जहाँ पर आप बैठे हुए हो, खाना खा रहे हो और ये व्यू हो, बहुत 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 मज़े वाली जगह है। हमजा कह रहा है कि ये बबल फेंकनी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 10 रुपये की एक बबल मिली है, लेकिन यार इधर आके कोई चीज़ मिल जाती है वो भी बहुत बड़ी सहूलत है। सामने आप ब्यूटी चेक करें, पहाड़ चेक करें, ये ऐसे बिल्कुल यहाँ पर धुंध धुंध नज़र आ रही है, और वो सामने आप घर क्लियर नज़र आ रहे हैं। यहाँ से चेक करें, यहाँ से मैं इधर तो जा रहा हूँ लेकिन वापस पता नहीं खैर खरिया सलामत से आऊँगा या नहीं आऊँगा, पता ही नहीं है। ये ना जिधर कौन रखूँ, या मैं स्लिप हो जाऊँ या पहाड़ी स्लिप हो जाए, कहने का मतलब पत्थर स्लिप हो जाए। वो घर देखें, वो सामने घर देखें, पूरी सोसाइटी टाइप बनी हुई है, घर ही घर हैं,
वहाँ नीचे से क्या पता पानी गुजर रहा हो यार। कोई यहाँ का मुकामी लोग हमें मिल जाए ना तो उनसे पूछते हैं यहाँ पर पानी किधर से गुजर रहा है, पानी देखते हैं यार। एक टक शॉप पर रुके हैं। अली भाई ये जगह किस में आती है? हजरों में ही आती है ना? हरिपुर, हरिपुर हजारा हजरो। कोल्ड ड्रिंक लिए मरिंडा, हम तो इसको कहते हैं लेडी बोतल ज़्यादा ये लड़कियाँ पसंद करती हैं। और एक पानी, बाकी लेज वगैरह मैंने ये लिए ना स्पाइसी कुरकुरे, तो भाई कहते हैं स्पाइसी चीज़ें औरतें ही खाती हैं, बोतल भी औरतें ही पीती हैं। हमजा ने बकरी को बुला लिया है, ये देखें इधर हमारे ड्रिंक ब्रेक का टाइम हुआ है। असल क्या हुआ है, आपको नहीं रोका? ये तो सही सही ताजी क्या है, हेलमेट शेलमेट पहन के आया, ये देखे हेलमेट रखा हुआ है। उधर अली भाई के पास हेलमेट नहीं था और मेरे पास नहीं था, तो अली भाई को रोका, अली भाई निकल आए। मैं भाई देखने में वैसे ही दहशतगर्द लगते हैं। हाँ ये बात है, अली भाई क्या हुलिया बना लिए कपड़े भी ऊपर से काले पहने हुए है ना। तो भाई ने कार मुझे कह दी थी कि पुलिस वाले रोकेंगे ना, पहले हमजा ड्राइव कर रहा था तो आप बाइक ले लो। मैंने बाइक लिया तो साथ ही सुजुकी गुजारी थी, मैंने सुजुकी के साथ साथ रख के निकल आया। इधर आके फौजी कहता है बच्चे वापस जाओ ना, पुलिस वाले के हाजिरी लगा के आओ। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट हरिपुर हजारा। काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पर पानी ढूंढ रहा हूँ यार, पानी मिल जाए ना वहाँ पर वीडियो भी रिकॉर्ड होगी और हम खुद ही बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, तो पानी नहीं मिल रहा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। जैसे जैसे मगरिब का टाइम करीब आ रहा है वैसे वैसे ठंड ज़्यादा होती जा रही है। स्कूल है कोई? यहाँ पर व्यू चेक करें, झूले वगैरह लगे हुए हैं। इस स्कूल में पढ़ने का वैसे अलग ही मज़ा होगा यार, कितना खूबसूरत स्कूल है। हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो हम बोर ही हो जाते थे स्कूल में, क्या वही ट्रैफिक का शोर, धुआं, हब्स, अजीब सा माहौल। और लेकिन इस स्कूल में पढ़ने का, देखने का और इन्जॉय करने का मज़ा ही अलग है। लेकिन यहाँ के लोगों को ये चीज़ कुछ अलग नहीं लगती होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत अलग है। दरख्त इस जगह पर हैं, झूले हैं और इन्होंने बाउंड्री लगाई हुई है ताकि स्कूल के बच्चे जंगल में भाग ही ना जाए। ऊपर से जाके चेक करते हैं व्यू, दरख्त ही दरख्त। ओए यहाँ से चेक करें, स्लिप हो गया ना मैं। ये देखें बड़ी खूबसूरत जगह है यार, बड़ा प्यारा व्यू है। उफ उफ खूबसूरती, वो गांव है ना। जूम बस बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, जितना मैं एंजॉय कर रहे हैं उतना मैं आपको ना फील करवा सकता हूँ, ना बता सकता हूँ, ना फील कर सकते हैं। लेकिन यह है कि ज़्यादा मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको साथ साथ रखूँ, एक एक चीज़ का पता चलना चाहिए। यहाँ पर ये मेरा इंतज़ार हो रहा है, पहले भी वीडियो बनाते हुए इसके साथ टक्कर लगी है मेरी, आए चीखें निकल गई हैं। दिखाने लगा हूँ मैं यहाँ से आपको सूरज नहीं फैसल मस्जिद, ये देखें। यहाँ से चेयर लिफ्ट लगी हुई हो फैसल मस्जिद है डायरेक्ट। ओए हो, ये ख्याली पुलाव ही है मेरे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये भाई लोग पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और सामने इस्लामाबाद, वो क्रिकेट स्टेडियम सामने, और फैसल मस्जिद जहाँ से थोड़ा सा राइट साइड पे है, तो पहाड़ों की वजह से नहीं नज़र आ रही। बाकी यहाँ से आप चेक करें मुनाल का रास्ता, यूं स्नेक की तरह आ रहा है, और यहाँ से होते हुए वो बैठे हुए वो देखिए। ये लो जी, ये तो जगह जगह पहाड़ों के ऊपर बैठे चढ़े हुए हैं, वो आवाम के काम देखें ये, यहाँ से लेकर वो उधर पहुँचे हुए हैं। अब फैसल मस्जिद क्लियर नज़र आई, ये देखिए फैसल मस्जिद। पिंडी इस्लामाबाद के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं है, किसी का कोई जोड़ नहीं है। लड़की बाइक चला के आ रही है जी, लड़की इन चढ़ाइयों पे, लड़की लड़की यार। और यूं यूं जा रही थी, यूं यूं मैं उस लड़के पे हैरान हूँ कि यार कम से कम तू खुद राइड कर ले। अरे भाई तू क्या कर रहा है, उसको दे रहा तू इस तरह चढ़ाई पर। बेचारी खुद भी डर गई थी, घबरा गई थी, और लड़का भी डर घबरा गया था, उधर ही उन्होंने बाइक फेंक दी। अरे भाई क्या हो गया है, क्या हो गया है? ये जा रहा था गाड़ी खड़ी थी ना, ये गाड़ी किस साइड से जा रहा था, हम गाड़ी किस साइड से जा रहे थे,
तो इसके पीछे बंदर इसके पीछे बंदर लगे, बंदर हमारे सब के ऊपर आके मुंह खोलना शुरू कर दिया, चाक लगाना शुरू कर दिया। भाई जी हम दबने को आए हैं, जब हम पहुंचे हैं तो अंधेरा हो गया, कुछ ज्यादा खास नहीं, लेकिन यह है कि लाइट्स आप चेक करें और व्यू देखें, देखें कितनी लाइट है, और यहाँ पर पिक्चर चेक करें, चेक करो और ये देखें। हम वीडियो बना रहे थे तो भाई जस्सी जस्सी पहुंचे कि मेरे कस्टमर आ गए, कहते हैं हाँ जी भाई 100 रुपए का कौन सा नाम चाहिए। मैंने कहा भाई थोड़ी सी जगह देना, एक क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो काफी स्टार्स वगैरह हैं, किसी की शादी तो नहीं हुई हुई? क्या शादी? क्या खाली? मैं कह रहा हूँ शादी तो नहीं हुई हुई? नहीं। मैंने कहा शादी हुई हुई है तो अगर आपकी वाइफ ने देख लेना व्लॉग तो पक्का नाराज होगी कि शॉपिंग नहीं करके लाए, तो यहाँ से कुछ ना कुछ परचेज करके ले जाओ। मेरा कोई ऐसा एंटीक नाम है ना, मुझे अपने नाम का नहीं मिलता। और अच्छा ये मारवी, वाओ कितना यूनिक नाम है। ज्वेलरी वगैरह भी काफ़ी पड़ी हुई है। पिछली दफ़ा आए तो ये यहाँ से एक बैग परचेज किया था, बच्चों के खिलौने वगैरह टॉयज़। हमारे मकसद की यार कोई चीज़ नहीं है, लड़कों के लिए वैसे कोई चीज़ होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। ज्वेलरी 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 वो हमारे काम की तो है नहीं। हमारा बाइक तैयार हो गया राइड के लिए, अब बैठते हैं अगला सफ़र इंजॉय करते हैं। मोनाल से वापस अब इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से हम जाएंगे सिक्स रोड से फिर अली भाई के कज़न को पिक करने और करतारपुरा जाएंगे, करतारपुरा जाके खाना खाएंगे। ये जो रोड है ये काफ़ी ख़तरनाक है, यहाँ पर लेपर्ड्स वगैरह काफ़ी दफ़ा निकले हैं, और जो यहाँ पर रोशनी है ना वो सिर्फ ट्रैफिक की है बस, अगर सामने से कोई गाड़ी बाइक आ रही है और यहाँ से जो जा रहा है बस, इसके अलावा फुल अंधेरा है, फुल ये देखिए फुल अंधेरा, पीछे से जो ट्रैफिक आ रही है उसकी राइट है बस। बाइक चेंज हो रहे हैं, उस बाइक पे मैं जा रहा हूँ। आधे घंटे से हम सब एक मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि नहाने लगा है, पता नहीं क्या हम किधर पहुँचे थे अली भाई, हमने इसको कॉल किए मुनाल से, हम निकल रहे थे, हमने इसको कॉल किया कि हम घर आ रहे हैं बाहर, अजली भाई ने पहले ही कहा था कि ये बड़े आराम आराम से आता है, और इधर आके तकरीबन 30-40 मिनट हो गए हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि भाई जान बाहर आ जाए, तो मुहूर्त ही होगी वैसे। ये आया भाई ना क्या है कि नहीं अभी मुनाल से इधर और इधर से फिर 45 मिनट, अभी तक नहाया नहीं है। दोबारा इंप्रेशन देना वैसे नहाया नहीं है नहा के फिर भी नहीं आया, नहा के फिर भी नहीं नहाया, नहीं नहाया लग नहीं रहा नहा के आया, या फिर आई ऐसा कोजा गंदा कलोना है ही गंदा। चलो यार मेहरबानी करो निकले आओ। किसकी सालगिरह है? इसकी सालगिरह है ना आज? हां नहीं आज नहीं है। किधर से नहा रहा था? आज दोबारा से बाला टिक्का हाउस आए हैं बन्नी में, बाइक पार करना पार्किंग की जगह ही नहीं मिल रही। तकरीबन सुबह हम नाश्ता करके घर से निकले थे सब भी, वहाँ पर कोई ड्रिंक ब्रेक वगैरह की थी, उसके बाद तभी आगे खाना खा रहे हैं। मैं सिनेमैटिक शॉट ले रहा हूँ तो सब भाई कह रहे हैं कि हमें नज़र भी लग जाएगी खाने के, और जल्दी जल्दी करो हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो कुछ खाते हैं आप। अली भाई क्या ऑर्डर कराया है? अली भाई तो शुरू हो गए हैं, वो खाने के बाद मुलाकात होती है। बाय बाय। पंद्रह मिनट हो गए आगे बढ़ा हुआ है, चपाती और नान ख़त्म हो गए, बोल रहे हैं इनको दे दो चपातियाँ। कोई नहीं, अभी काउंटर पे गया हूँ जाके मैंने बोला चपातियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब लड़का आया भाई की बदमाशी है अच्छी खासी। किसकी? आपकी। यार काउंटर पे तो जाना पड़ता है ना, 10 मिनट वेट किया है अभी तक वो चपातियाँ लेके नहीं आए। आके वहाँ से उसने रायता उठाया और इधर रख दिया, कहते हैं कि ये रायता आपको देना है, मैंने कहा भाई चपाती देनी है यार। चपाती आ गई तकरीबन 10 मिनट बाद, अब दो गोल्डन गोली थी तो एक आई है, अभी तक एक नहीं आई, वो दोबारा बोल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये हम जो कल ले रहे हैं ना और ठीक है ऐसे होते ही जा रहे हैं ये भाई, एक बोटी भी सेल कर रहे हैं दो बंदे और एक बोटी है, दोनों ने पूरी पूरी रोटी भी उठाई हुई है भाई कितने चुप रहे बाबा भाई एक बोटी के साथ लड़ रहे हैं। ये सब मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं, वाह जी वाह। एक दो तीन चार पाँच छः और ये सब मुझे छोड़ने आए हैं।
एक घर पे रह गया। देखिए इतना ज्यादा प्यार आप लोग करते हैं नहीं करते ना, ये देखिए कितना ज्यादा प्यार करते हैं। इनके खालू हैं वो भी मुझे ड्रॉप करने आए थे लेकिन रह गए। एक बाइक मुर्शद, दो बाइक, तीन बाइक ये मुझे ड्रॉप करने आई हैं। तो ठीक है जी, सबसे अल्लाह हाफिज़ और आपसे भी अल्लाह हाफिज़। जो भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोग आते हैं वीडियो देखते हैं और गायब हो जाते हैं, ये बात यार बहुत गलत है। आज देखें सुबह अली भाई आए मुझे पिक किया, लेके गए मुनाल वगैरह दामने को। क्यों गए? हम सिर्फ व्लॉग के लिए गए, वहाँ से वापस ड्रॉप करने आए हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत मशक्कत होती है, टाइम वेस्ट होता है और आप लोग ना सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं, उसमें उनका क्या लेना देना है? वो एंजॉय करते हैं। आप लोग घर बैठे बैठे 10-15 मिनट हम आपको इंजॉयमेंट करवाते हैं और हमारे 24 घंटे लगते हैं। अभी तक एडिटिंग करनी है, अपलोडिंग करनी है और सुबह मुदस्सर भाई के गाँव जाना है, वहाँ पर खुद कुकिंग वगैरह करेंगे। मिलेंगे मुदस्सर भाई के गांव के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।